अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू की तरफ बढ़ने से पहले कुछ खास खबर पर एक नजर डालते हैं। निपानी में 2022 में हुए मानव बंधुत्व इजलास में रियासती वजीर सतीश जारकिहोली के बयान को हिंदू मुखालिफ बयान कहते हुए मुकदमा दायर किया गया था। वकील के दिलीप कुमार ने निजी मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले पर सुनवाई के लिए अगस्त 27 को सतीश जारकिहोली को हाजिर रहने के लिए बेंगलोर ACMC अदालत की जानिब से समन जारी किया गया। बेलगाम का हिंडलगा जेल वैसे तो पनिशमेंट जेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पैसे वालों के लिए लॉजिंग बोर्डिंग से ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह की खबरें भी बारहा देखने सुनने मिलती है। लिहाजा कल पुलिस कमिश्नर याडा मार्टिन के जेर निगरानी सुबह 5 बजे हिंडलगा जेल पर छापामारी की गई, जिसमें कई तश्वीशनाक चीजें बरामद होने की तलाश हुई। 40 पुलिस अफसर और 220 कांस्टेबल के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिगरेट, गुटखा, वाटर हीटर, करंट चिगड़ी के साथ मोबाइल भी बरामद किए जा चुके हैं। जामर बिठाने की बात तो कही जाती है, पर अब तक अमल नहीं हुआ है। बेलगाम रूरल थाने में मामले को दर्ज किया गया। बेलगाम तालुका कोनेवाड़ी में बिजली के तार छूने से एक किसान की मौत हो गई। किसान का नाम भरमा पावशी है। जमीन पर पड़ी तार उठाते ही बिजली का झटका लगा और जगह पर ही इसकी मौत हो गई। इस गांव की जानिब से पंचनामा किया गया। कैंप इहाते में पिछले कई महीनों से सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि वहां पर सड़क हादसे बारहा होते हुए देखा जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि सड़क पर वेलकम होटल के मालिक अब्दुल गफार शेख खुद ही बच्चों को सड़क पार करवा रहे थे। ट्रैफिक महकमा को बारह इस पर तवज्जो देने के लिए कहा गया, लेकिन हमेशा की तरह अनदेखी की गई। आखिरकार एमएलए आसिफ सेठ की जानिब से दखल देते हुए आज स्पीड ब्रेकर को बिठाया गया। अब्दुल गफार शेख रोजाना यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वक्त निकालते और ट्रैफिक पुलिस की तरह अपना रोल निभाते। अब्दुल गफार शेख के खिदमात पर इन्हें सराहा जा रहा। बेलगाम कॉरपोरेशन में मंजूर शुदा 9,40,00,000 रुपए रकम पर किसी तरह का कोई फैसला लिए बगैर या मशवरा किए बगैर ही अब 17 अगस्त को कॉरपोरेशन में सत्ताधारी भाजपा की जानिब से मीटिंग बुलाई गई। मंजूर शुदा रकम के इस्तेमाल पर अभी तक किसी तरह का मशवरा या तबादले ख्याल रूलिंग और अपोजिशन के दरमियान नहीं किया गया और कॉरपोरेशन में मीटिंग तलब फरमाई गई। आखिर अपोजिशन पार्टी की जानिब से बायकॉट किया जाएगा या मीटिंग में शिरकत की जाएगी? क्या अपोजिशन के तमाम एजेंडे पर बहस होगी? अगर बातों पर सभी की नजरें टिकी हुई है तो नजर। अब अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमने इससे पहले भी कहा था कि कहीं पर कुछ भी हो जाता है तो भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश यहाँ के फिरका परस्त करते हैं, और वही बात अब देखने को मिल रही। बांग्लादेश के हिंदुओं को मारने के मद्देनजर भारत के मुसलमानों को मारा जाए, इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। खैर, अब जब बांग्लादेश में इख्तदार तब्दीली यानी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो गोदी मीडिया ने कहानियां बनाना शुरू किया हुआ है। अब तो हिंदू सड़कों पर आए, इस तरह की बातें मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी खबरें चलाई जा रही है। बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है और इसका भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है। घुसपैठ हो सकती है तो इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो दिन रात निगरानी कर रही है, और भी खुफिया एजेंसीज हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन खामखा एक नैरेटिव चलाना या कहानी बनाना कि वहां से जो है घुसपैठी है भारत में घुसे हुए हैं और यहाँ के गरीब मुसलमानों को पीटने की वारदातें बढ़ रही है, यहाँ के फिरका परस्तों को किसी तरह यहाँ के गरीब मुसलमानों को हिरासा करके डर खौफ का माहौल बनाने में ही खुशी महसूस होती रहती है। अब तो सोशल मीडिया पर इस तरह के खबरों की बाढ़ आई हुई है और बांग्लादेशियों के बहाने यहाँ के मुसलमानों को निशाना खुले आम किया जा रहा है। वैसे तो वारदातें बहुत हो रही है, लेकिन यूपी गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर बेरहमी से पीट रहे, कई अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। मामला जब बढ़ गया तो पुलिस तफ्तीश हुई, जिसमें तमाम गरीब मुसलमान वही के शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले साबित हुए, जिसमें से कुल वहां जितने भी रहते थे उन झुग्गी झोपड़ियों में एक फर्द भी बांग्लादेशी नहीं निकला। अब जिस तंजीम ने वहां हमला किया वो हिंदू रक्षा दल नामी एक तंजीम है। अब इसे एक दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीम के नाम से अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। इन्हीं के अपराधों ने वहां पर हमला किया और कईयों को जख्मी किया। अब इन पर किस हद तक कार्रवाई हुई है अब तक इसका ब्यौरा हासिल नहीं हुआ है, तफसीलात भी हासिल नहीं हुई। लिहाजा हिंदू रक्षा दल के सदर पीके चौधरी पर मुकदमा दायर किया गया। फिर से हमेशा की तरह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन्हें इतनी आजादी क्यों दी जाए और कानून को इस तरह से हाथ में लेकर गरीब भूखे मुफलिस लोगों पर बेरहमी से पीटने का हक इन्हें आखिर कौन दे रहा है? क्या इसे योगी हुकूमत को जिम्मेदार न ठहराया जाए, या फिर कानून नज्म जब्त ही अब इतना पिलपिला हो गया है कि
पिंकी चौधरी और नाम निहाद हिंदुत्ववादियों को छूने की हिम्मत तक अब इन वर्दी वालों में ना रही, क्योंकि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसानियत के ही नजरिए से देख लिया जाए तो किस कदर दो वक्त की रोजी रोटी के लिए सड़क के किनारे झोपड़ियां या टेंट मारकर बारिश धूप कड़ाके की ठंडी में अपने बच्चों के साथ वो गुजारा करते रहते। क्या अभी इन्हें जिंदगी जीने का भी हक नहीं रहा, इसलिए कि वो मुसलमान है? भारत में तकरीबन शहरों में बस अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन के करीब इस तरह की झुग्गी झोपड़ियों को देखा जाता है। बेलगाम शहर में भी ऐसे कई इलाके हैं, बेचारे किसी तरह अपना गुजर बसर करते रहते हैं। पर कुछ गुंडा जहनीत के अपराधों को एक समाज से नफरत सी हो गई है। अब इन जहरीले इंसानी जानवरों का काम डसना होता है, जो इस काम को वो अंजाम देते रहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर भारत में माहौल खराब करने वाले कोई भी हो, फिर वो न्यूज चैनल ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल उस सुदर्शन चैनल पर तो सिवाय जहरीले प्रोग्राम्स के कुछ नहीं रहता। क्यों ना हो, इन पर भी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती? बढ़ता नफरत का दायरा मुल्क की तरक्की, अमन सुकून में एक तरह का रोड़ा कह सकते हैं। मोदी हुकूमत अब फिर से उसी नफरती एजेंडे की तरफ जा रही है, भले इन्हें हाल ही के लोकसभा में एक तरह की हार ही इन्हें हासिल हुई है और हार का मुंह ही क्यों ना देखना पड़ा हो, पर अब भी इसी नफरती एजेंडे पर ही हुकूमत पर कब्जा जमाना चाह रहे। वह बोर्ड बिल भी इसी का नमूना कह सकती है। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, पर इसका नतीजा क्या होने वाला है सभी जानते हैं। अदालत तक ले जाकर अपने हक में फैसला मनवाया जा सकता है, और इनका ये पुराना फार्मूला भी रहा है। बाबरी मस्जिद हो, गोधरा कांड से लेकर कई फसादात को बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है। अब तक तो उमर खालिद को भी जमानत नहीं दी गई, जबकि गोधरा के खूंखार मुजरिमों को जमानत पर रिहा किया जाता है। मतलब मुल्क की तस्वीर ही बदल दी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस रिटायर्ड होने के बाद भाजपा की गोद में जाकर बैठते हैं, कुछ को तो राज्यसभा की रुकनियत भी हासिल हो जाती है। गुंडागर्दी करने वालों को खुलेआम छूट दी जा रही है। सड़कों पर मॉब लिंचिंग तो अब यहाँ की तहजीब बन रही है। लिहाजा बांग्लादेश के नाम पर फिर से भारत में नफरती माहौल को तश्कील देने की घिनौनी साजिश की कोशिश मुस्तकिल जारी है। पुलिस महकमा को भी चाहिए कि जो भी इस मुल्क के संविधान के खिलाफ, अमन अमान के खिलाफ अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है, एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उन पर किसी के फरियाद का इंतजार न करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करें, वरना इस तरह के समाज में घृणा फैलाने वाले अनासिर बढ़ते ही जाएंगे, जिससे सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पहले वहाँ पर एक मुस्लिम जा रहा था, वो आ रहा था, उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है, उन्होंने बताया रिहान, उसके ऊपर मार शुरू कर दिया। आप बोल रहे बांग्लादेश वालों, तो तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते, बोला ये करते, और बिना पूछे यहाँ पर आया, बोल रहे मुस्लिम को हिंदू, और जैसे मुस्लिम बताया वैसे मारने का शुरू कर दिया। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे, तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग में इसे कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।